हेलो दोस्तों, माय सेल्फ डॉक्टर अमान, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर अमान के वीडियोस में। आज एक मेडिसिन पे बात करने जा रहा हूँ जो दिमागी कमज़ोर नर्वस वीकनेस को ठीक करती है। उसका नाम है एवेना सेटाइवा। दोस्तों वीडियो पर आप बने रहिए, आगे इस बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ इस मेडिसिन के बारे में। वीडियो को आखिर तक देखिए। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। इससे आपको ये होगा कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एवेना सेटाइवा, ये दवा बनती है ओट्स से। ओट्स जो कि सबको पता है, ओट्स बहुत ही बदन के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, तो उससे दवा बनती है ओट्स। ओट्स के प्लांट जब फ्लावरिंग कंडीशन में होता है, जब फ्लावर निकलता है ओट्स पे, तो उस पेयर को लेकर के इसका मदर टिंचर बनाया जाता है। एवेना सेटाइवा का मदर टिंचर बनाया जाता है। ये दवा दिमागी कमज़ोरी और नर्वस वीकनेस के लिए बहुत अच्छी दवा है, ख़ास करके जब बीमार होकर उठते हैं, कोई बीमारी हुई हो, आप अच्छे हो गए हों, उसके बाद में बहुत कमज़ोरी लगती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, चलने का मन नहीं करता है, हमेशा लेटे रहने का मन करता है, नर्व की कमज़ोरी होती है, उसके लिए ये दवा बहुत ही अच्छी है। और जो लोग सेक्स में ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, सेक्सुअल एक्ट ज़्यादा करते हैं, मास्टरबेशन ज़्यादा किया है, सेक्स ज़्यादा किया है, उनको अगर कमज़ोरी हो, उसके लिए भी दवा ये बहुत ही अच्छी है। ओल्ड एज वालों के लिए ये दवा बहुत ही कारगर है। जब वो ओल्ड एज की वजह से ब्रेन में नर्व्स डैमेज होने शुरू हो जाता है, तो डोपामिन जो ब्रेन में एक केमिकल निकलता है जिसे बोलते हैं डोपामाइन, जो कि उसका लेवल जब कम होता है तो हाथ पैर में कपकपी शुरू होती है, ट्रेमर होता है, बदन हिलता है, कोई एक पार्ट हिलते रहेगा, या गर्दन हिलते रहेगा, या हाथ पैर हिलेगा। इस बीमारी को हम पार्किंसंस डिजीज़ भी कहते हैं। तो पार्किंसंस डिजीज़ के लिए ये मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन है। इस दवा को हमेशा मेटेरियल डोज में देते हैं, जैसे 10 ड्रॉप 20 ड्रॉप देते हैं, मदर टिंचर की खासकर। तो ओल्ड एज में अगर पार्किंसंस डिजीज़ है, हाथ पैर कांप रहा है, और तो उसके लिए दवा बहुत ही अच्छी है। कोरिया के लिए बहुत अच्छा दवा है। कोरिया में जैसे कि पूरे बदन में ट्रेमर होता है, ट्रेवलिंग होता है, उसके लिए ये दवा बहुत ही अच्छी है। चलिए बात करते हैं मेल जेनिटल ऑर्गन्स पर इसका क्या एक्शन है। मेल जेनिटल ऑर्गन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेक्स ज़्यादा करने से, मास्टरबेशन ज़्यादा करने से सेक्सुअल वीकनेस हो जाता है, नर्व की कमज़ोरी होती है, जिसके वजह से लिंग में कमज़ोरी होती है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, कड़ापन नहीं होता है, और सेक्स की फीलिंग कम हो जाती है, उसके लिए एवेना सेटाइवा बहुत अच्छी दवा है। इसको लेने से सेक्स का वीकनेस दूर होगा, नर्व का वीकनेस दूर होगा, और आप पहले जैसा सेक्सुअल लाइफ गुजार सकेंगे। ये दवा जो है जो लोग नशा करते हैं, अल्कोहल का नशा हुआ, अफीम का नशा हुआ, मॉर्फिन ड्रग जो भी लेते हैं, उनके लिए भी ये दवा बहुत ही अच्छी है। जो लोग ड्रग लेते हैं या फिर अफीम लेते हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए ये दवा बहुत अच्छी है। अगर कोई अफीम ले रहा हो, 4 ग्राम तक ले रहा हो, तो उस अफीम को स्टॉप करके उसकी जगह पे एवेना सेटाइवा दें, क्योंकि जब अफीम जब खाना जब बंद कर देगा, तो जो एवेना सेटाइवा लेने से वही फीलिंग, अच्छी फीलिंग आएगी जो ओपियम लेने से, अफीम लेने से होता था। तो जब कोई अगर 4 ग्राम तक अगर कोई अफीम लेता था, तो उसको तो आप सडन स्टॉप करके एवेना सेटाइवा स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई उससे ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है, तो उसको जो अफीम या मॉर्फिन, उसका धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करना चाहिए, एक बैग बंद नहीं करना है, धीरे धीरे कमजोरी करना, और एवेना सेटाइवा चलाते रहिए, तो पेशेंट धीरे धीरे अफीम को भूल जाएगा, और एवेना सेटाइवा की वजह से आदत होती नहीं है, इसकी एडिक्शन नहीं होती है। जो लोग ड्रग लेते हैं, उनको भी सेम ऐसे ही ट्रीटमेंट करते हैं हम, धीरे धीरे ड्रग का डोज कम करते जाते हैं, और एवेना सेटाइवा कंटिन्यू चलते रहता है, तो धीरे धीरे
जब ड्रग नील पाया जाता है एब्रेंसिटाइब का कुछ दिन लेने के बाद में वो ड्रग को भूल जाता है और एब्रेंसिटाइब से उसकी कमजोरी भी ठीक होगी, नर्व का जो वीकनेस था वो भी ठीक होगा। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके लिए भी ये दवा बहुत अच्छी है। अल्कोहल छोड़ने के बाद मेन जब हाथ पर कपकपी होता है तो जो हाथ पर हिलने लगता है, बहुत बेचैनी होती है, उसके लिए एब्रेंसिटाइब बहुत अच्छा है। अल्कोहल छुड़ाने के लिए भी ग्रेजुअली अल्कोहल का डोज को कम करते जाइए, एब्रेंसिटाइब चलाते जाइए, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये दवा इंसोमनिया के लिए बहुत अच्छी दवा है, जो नींद नहीं आती है उसके लिए, खासकर जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके लिए। शाम को नींद आती है मगर वो रात भर जागते रहते हैं, उसके लिए एब्रेंसिटाइब बहुत अच्छी दवा है। दूसरे लोगों के लिए भी, जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उनके लिए भी ये एब्रेंसिटाइब बहुत अच्छी है, खासकर जब नींद नहीं आती है, इंसोम्निया होता है, उसके लिए एब्रेंसिटाइब अच्छी दवा है। जो यंग बॉयज मास्टरबेशन करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है। अक्सर जो यंग बॉयज लाते हैं करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे माइंड कंसंट्रेट नहीं होता, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, कोई काम में दिल नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन की कमी है, उसके लिए एब्रेंसिटाइब बेस्ट है। तो माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एब्रेंसिटाइब बहुत अच्छी दवा है, खासकर स्टूडेंट्स में जो पढ़ते हैं उनका पढ़ने में दिल नहीं लगता, माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, जो कुछ याद करना चाहते हैं याद नहीं हो पाता है, उसके लिए एब्रेंसिटाइब बहुत अच्छी दवा है। फीमेल केस में हेडेक होता है, मेंस के टाइम में हेडेक होता है, वर्टिक्स होता है, उसके ऊपर बर्निंग होता है, उसके लिए दवा बहुत अच्छी है। और सर के पीछे में दर्द हो, साथ में यूरिन में फॉस्फेट आता है, तो उसके लिए भी एब्रेंसिटाइब बहुत अच्छी दवा है। वीकनेस की वजह से कमज़ोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से अगर मेंस क्लियर नहीं हो रहा, ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी एब्रेंसिटाइब बहुत अच्छी दवा है। एब्रेंसिटाइब जुकाम के लिए बहुत अच्छी दवा है, नए नए जुकाम जो होता है उसके लिए एब्रेंसिटाइब बहुत अच्छी दवा है। इसका 15 से या 20 बूंद गर्म पानी में बार बार 2-3 घंटा लेने से जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और एब्रेंसिटाइब जब भी दवा लें तो उसको मदर टिंचर को गर्म पानी में लें तो ये ज़्यादा फायदा करता है, तो हमेशा गर्म पानी में इसको यूज़ करें। एब्रेंसिटाइब रिबेटिक हार्ट के लिए भी अच्छी दवा है, हार्ट में रिमेटिज्म हो जाए तो उसके लिए भी एब्रेंसिटाइब बहुत अच्छी दवा है। अगर हाथ पैर में झिनझिनी होता है, हाथ में खास करके झिनझिनी हो रहा है, सुनापन लग रहा है, हाथ भारी लग रहा है, उसका हाथ का ताकत कम हो गई है, हैंड में ताकत कम हो गया है, तो उसके लिए एब्रेंसिटाइब अच्छी दवा है। हाथ पैर की कमज़ोरी हो, झिनझिनी हो, नर्व ये सब होता है, नर्वस वीकनेस की वजह से होता है, तो इसके पर एब्रेंसिटाइब बहुत अच्छा काम करती है। मेल्स में क्या एक्शन है दोबारा बता देता हूँ। मेल्स में एस्परमेटोरिया हो, मतलब सीमेन अपने आप बाहर निकल जाता है, नींद में सोते में स्पर्म निकल जाता है, बैठे में निकल जाता है, उसके लिए अच्छी दवा है। और इम्पोटेंसी के लिए दवा उसके लिए, जिन लोगों ने सेक्स बहुत किया या मास्टरबेशन बहुत किया है उनमें इम्पोटेंसी कमी हो जाती है, लिंग में ताकत नहीं होता है, लिंग में कड़ापन नहीं होता है, सीमेन अपने आप निकल जाता है, स्पर्म अपने आप निकल जाता है, तो ये एब्रेंसिटाइब बहुत अच्छी दवा है। और डोज है, एब्रेंसिटाइब का डोज है 15 से लेकर 20 ड्रॉप तक गर्म पानी में दिन भर में 3 या 4 बार ले सकते हैं। इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप जितना दिन में लेना चाहें ले लें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको हमेशा फ़ायदा ही फायदा है। जो लोग नॉर्मल लोग हैं उनको कमज़ोरी लग रहा है, उनको काम करने का ताकत नहीं लग रहा है, उनके लिए भी एब्रेंसिटाइब बहुत अच्छी दवा है। एब्रेंसिटाइब लाने से भूख भी अच्छा लगती है, भूख भी लगती है, ताकत भी लगता है, तो इसके लिए एब्रेंसिटाइब बहुत अच्छी दवा है। उम्मीद है आपको यह मेडिसिन समझ में आ गई होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको ही फ़ायदा हो सके। और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पाए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो अलविदा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, शुक्रिया।